प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर बेंगलुरु को गार्बेज सिटी कचरे का घर बना देने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पलटवार करते हुए कहा कि यह शहर भारत का गौरव है और प्रधानमंत्री ने इसका अपमान किया है। राहुल ने आज ट्वीट कर कहा है कि प्रिय प्रधानमंत्री, बेंगलुरु गार्डन सिटी है, बागों का शहर और भारत का गौरव है। इसे गार्बेज सिटी कहना अपमानजनक है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में शहरी विकास के लिए धन मुहैया कराने में यूपीए और नरेंद्र सरकार के बीच तुलना करते हुए कुछ आंकड़े पोस्ट किए और कहा कि झूठ का पुलिंदा खड़ा करना आपके लिए स्वाभाविक बात हो सकती है। मोदी जी, शहरों का निर्माण आपको बहुत मुश्किल लगता है, डाटा आपके झूठ के उजागर करते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें यूपीए सरकार और एनडीए सरकार द्वारा कर्नाटक शहरी विकास के लिए दिए गए फंड की तुलना की गई। राहुल ने जो तस्वीर शेयर की उसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि यूपीए सरकार ने एनडीए सरकार से 1100% ज़्यादा फंड कर्नाटक के शहरी विकास को दिया था। राहुल गांधी के ट्वीट में कहा गया है कि यूपीए सरकार ने कर्नाटक के शहरी विकास के लिए 6570 करोड़ रुपए दिए जबकि एनडीए सरकार ने अब तक केवल 598 करोड़ रुपए ही दिए हैं। बेंगलुरु की प्रकृति प्रेम प्रेमी जनता ने, जागरूक नागरिकों ने हमारे बेंगलुरु की वर्षों से पहचान बनाई थी। बेंगलुरु को गार्डन सिटी